आज के ब्लॉग में आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि आप उम्र में कैसे जा सकते हो। लिटरली आप मानोगे नहीं, सऊदी अरब में किसी भी जगह पे आपसे कोई चोरी हो जाती है, आप एक बार पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, 5 दिन 10 दिन 20 दिन वो बंदा डेफिनेटली पकड़ लेंगे। उससे बंदा देख लिया ना भाई, क्या खतरनाक हो गया, कसम से इतना तगड़ा सरप्राइज हो गया ना, मतलब सारे चरिंद परिंद खुश हुए होंगे भाई, बर्फ होगी। So hey guys, good morning, assalamu alaikum, welcome back to the channel, welcome back to the new video. एक महीने के बाद आज व्लॉग में अपने घर वाली साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं घर पे नहीं हूँ भाई, सुबह सुबह ही ना मैं जैसे ही घर वापस आया, एक दिन वेट किया, एक दिन के बाद भाई मेरे को अपने बाइक को देखना था, ठीक है। दिखा देता हूँ, ये रहा भाई अपना बाइक जिसको एक महीना बहुत ज़्यादा मिस किया है मैंने, और इसकी हालत देख पा रहे हो, ये देखो धूल भाई, ये देखो, देख रहे हो बाइक चलाया घर पे, दो दिन के बाद ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और यहाँ आके ना भाई इतनी ज़्यादा ठंड लगी मेरे को, लेकिन जम्मू से कम ठंडा है भाई, इस बार ना भाई बर्फ़ नहीं गिरी। बहुत सारे लोग कश्मीर में भी परेशान हैं, दुआएं करवा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का रहम हो जाए, बर्फ़ गिर जाए, लेकिन वेदर ना इस बार पिछले साल से ही गलत चल रहा था। जब गर्मी में बारिश का सीज़न था, मानसून में बारिशें नहीं हुई, उसके बाद जब सीज़न नहीं था तब बारिश हुई, तो ऐसे करके ना भाई सारा सिस्टम, सारा वेदर जो है ना स्टार्टिंग से ही अलग चल रहा था। तो इस बार बर्फ़ भी नहीं हुई, तो अगर बर्फ़ नहीं होगी तो काफ़ी सारी फसलें जो है ना वो तबाह हो जाएंगी। फिलहाल अभी आपका भाई आया है ऐसे ग्राउंड में, मतलब ये साइड पे हमारा ग्राउंड है, तो अभी फिलहाल मैं बाइक वॉश करने के लिए आया था। बाइक वॉश में सर्विस स्टेशन में भी जाके करवा सकता था, लेकिन जो खुद बाइक वॉश करने का मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। बाइक पानी के बीच में लगाना है, शूज़ मैंने उतार दिए, तो आई डोंट नो क्या हालत होने वाली है, बिकॉज पानी जो है ना इतना ज़्यादा ठंडा ना भाई, मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे ग्लेशियर देख पा रहे हो, वो ग्लेशियर पिघल के ये पानी आता है, तो हुआ भाई धोएंगे, अदरवाइज जाके सर्विस स्टेशन धुलवाएंगे, यार पैर ठंडे हो गए, इतना ठंडा पानी है, मिट्टी निकली नहीं पा रही इसकी। बड़ी बुरी हालत होगी यार, बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं चल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं पैरों पे चल रहा हूँ कि कैसे चल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पैर ना पूरी तरह से रेड हो चुके हैं यार, खुद तो वॉश कर नहीं पाए अच्छे से। फिर हमने क्या किया कि भाई सर्विस स्टेशन में लेके आ गए बाइक अपना, सोहेल गाड़ी भी लेके आ गया और मैं बाइक भी, और बाइक खुद कहाँ वॉश होती है यार, जब तक सर्विस स्टेशन में अच्छे से प्रेशर के साथ कीचड़ वीचड़ ना निकले। मैं सोच रहा था कि भाई आराम से जाऊँगा, गर्मियों की तरह पानी में घुसूँगा, बाइक वॉश करेंगे, अगर गर्मी होती है फिर बंदा धो लेता है, लेकिन विंटर से भाई साहब इतना ज़्यादा ठंडे हो गए पैर मेरे, में क्या बताऊँ, सुन्न हो गए थे पूरी तरह से। फाइनली गाइस बाइक यहाँ पे वॉश हो गई है पूरी तरह से, अब लग रहा है कि भाई बाइक में थोड़ी बहुत जान आई है, देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है अभी, सही में यार अगर दूर से बंदा दिख गया ना भाई, क्या खतरनाक लग रही है यार, ओहो भाई भाई मस्त दिख रही है, एकदम सुंदर सुंदर, एकदम सुंदर सुंदर बन गई है, ब्लैक ब्लैक। तो चलते हैं अभी घर पर वापस। ये दूसरा दिन है, मे भी दूसरा दिन नहीं है भाई, ये 10वां दिन है, उसके बाद लास्ट क्लिप जो आपने देखी ना उसके 10 दिन बाद ये वाली क्लिप शूट कर रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा घर पे काम था ना, मैं जस्ट सऊदी अरब से वापस आया और मेरे को घर पे मौका ही नहीं मिला भाई व्लॉग बनाने का, और ना ही तो वहाँ के व्लॉग एडिट करने का मौका मिला, इतना ज़्यादा परेशान आ गया ना। जैसे कि आपको पता है कि इस बार कश्मीर की हालत कितनी बुरी थी भाई, लोग सारे रो रहे थे कि भाई बर्फ़ हो जाए, बारिश हो जाए, बर्फ़ तो हुई नहीं, लेकिन बारिश आज मेरे को देखने को मिली है भाई। यहाँ पर आपको दिख नहीं रही होगी वीडियो में आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पर पानी आपको दिख रहा होगा, वो भी नहीं दिख रहा। चलो भाई मैं ये बता देता हूँ कि बर्फ़ नहीं हुई, सिर्फ बारिश हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसी ही बारिश रात भर रही या तो सुबह रही हमारे यहाँ पे, तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते बर्फ़ की, लेकिन कश्मीर वाली साइड बर्फ़ हो सकती है। उसके बाद आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उम्र के रिलेटेड, आज के ब्लॉग में आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि आप उम्र में कैसे जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि आप हमें बताओ कि आप उम्र पर कैसे गए, क्या क्या प्रोसीजर है, क्योंकि जब मैंने गया हुआ था उम्र पर तो मैं भी ऐसे ही कोशिश करता था लोगों से पूछने की कि क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे इंसान जा सकता है। तो आज आपको मेरी तरफ से पता चलेगा आपको क्या क्या सारी चीज़ें करनी है, पहले चाय उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मौसम कितना मस्त हो रहा है यार, एकदम बढ़िया वाला है, है, है। सबसे बेस्ट बात मेरे को सबसे यही लगती है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद क्लैरिटी एकदम खतरनाक आती है, देख रहे हो। हाँ जी गाइस, तो आप गैस कर सकते हो कि ये वीडियो मैं कब शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं रात के 12 बजे भाई, एग्जैक्ट 12 बजे हुए, मैं सोया हुआ था तो जस्ट ना बाहर बारिश की जोर से आवाज़ आई, बाहर निकल के देखने लगा भाई बर्फ गिर रही है। तो मैंने लास्ट ट्रिप में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब आपको अगर जाना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिलहाल होप यही करते हैं कि भाई बर्फ़ हो जाए सुबह, और अभी जाके मैं डायरेक्ट सोऊंगा और उम्मीद करूंगा सुबह एकदम बढ़िया वाइट वाइट एरिया हुआ हो, पूरा बर्फ़ गिरी हो, ठीक है, सुबह मिलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के बज रहे 8, और रात को मैं आपको बोल के सोया था कि भाई सुबह उठूँगा मस्त बर्फ़ गिरी होगी, तो मुझे पता था भाई नहीं गिरने वाली है, तो दिखा देता हूँ आपको। चेक दिस आउट गाइस, भाई साहब अनएक्सपेक्टेड बर्फ यार, ज़्यादा नहीं गिरी, थोड़ी बहुत गिरी है लेकिन बर्फ़ गिर गई यार, ओह माय गॉड। लेकिन एक चीज़ सबसे गलत होगी, बर्फ़ गिरने के बाद ना ऊपर आसमान क्लियर हो गया,
तो इस बर्फ पे लगेगा कोरा। अब जो स्लिप बनेगी ना भाई साहब, खतरनाक बात। ठीक है, ये चेक करो भाई। ओहो, कसम से यार, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड बर्फ है ना, अनएक्सपेक्टेड यार, पानी वाली बर्फ यार। किसी को पता नहीं था कि बर्फ गिरेगी, बिकॉज इस बार गिर ही नहीं रही थी यार, इतना साफ मौसम था, बस थोड़ी सी बारिश हुई और रात को बर्फ गिर गई। भाई 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 भाई, आप साइड पे चेक करो यार, माय गॉड यार, ये मौसम चेक करो भाई साहब, सरप्राइज हो गया कसम से, इतना तगड़ा सरप्राइज हो गया ना, मतलब सारे चरिंद परिंद खुश हुए होंगे भाई, बर्फ होगी। हाय हाय हाय, क्या कमाल है यार, अमेजिंग। ओ भाई देख रहे हो कितना सही मौसम बना हुआ है। अभी पीर गली वाली साइड तो बहुत ज़्यादा गिरी होगी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। मेरे को नींद खुली हुई थी 7 बजे की। अब मैं धीरे धीरे सोच रहा था कि यार गिरी होगी बर्फ़ या नहीं, कहाँ गिरती है यार, कहाँ एक्सपेक्टेशन रख के सोचा था, हर बार नहीं गिरती थी। मेरे को नहीं पता था बर्फ़ गिरी होगी भाई यार, हाथ लगा के, वैसे तो बीमार हूँ मैं, लेकिन ओ रात को ये है ना, हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है, देख रहे हो लिटरली यार बर्फ गिर गई यार कसम से। खाऊंगा नहीं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, रात को भी जुकाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था। ठीक है, तो एक बार फिर से हाथ लगा देते बर्फ़ को। ठंड लग गई ठंड, आज दिन में रील्स बनाएंगे बर्फ़ पिघलने से पहले पहले। कितनी गिरी है, मैं हाइट दिखा देता हूँ आपको, इतनी इतनी। लेकिन एक चीज़ गलत होगी यार, जो हमने टाइल लगाई थी ना यहाँ पे, अब ये बर्फ़ जो है ना इसके ऊपर गिर रही है, तो इसके ऊपर गिर रही है, तो अब जो स्लिप बन रहा है ना यहाँ पे भाई, लिटरली मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल, तो मेरे को आराम से जाना पड़ेगा अगर स्लिप हो गया। ओहो, भयंकर स्लिप मार रही है भाई, भयंकर वाला। अब जो गिरा ना इसके ऊपर से, टाइल के ऊपर से, उसकी कमर ही टूटेगी सीधा और कुछ नहीं। पहले पहले क्या होता था, बचपन में बर्फ़ ना ज़्यादा गिरती थी तब, और तब ना कच्चे घर ज़्यादा मोस्टली लोगों के हुआ करते थे, तो जब बर्फ़ गिरती थी ना उसके बाद लोग सुबह सवेरे अपने घर के ऊपर से बर्फ़ हटाते थे, तो वो लकड़ी के ना बड़े बड़े स्पॉन बनाते थे, जिसको हम अपनी जबान में फे बोलते, तो उससे ना बर्फ़ हटाया करते थे। लेकिन ये देख रहे हो आज मैं किससे हटा रहा हूँ, आज मैं वाइपर से हटा रहा हूँ भाई। चलो बिकॉज यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, तो ये नीचे डाल देते, एडवांस हो गए गाइस, हम आज हम वाइपर से हटा रहे हैं भाई बर्फ। हाँ जी, तो सारा काम कंप्लीट करके मैं आ गया वापस रूम में, सारा काम इन द सेंस चाय वाय पी ली मैंने, और थोड़ा बहुत थोड़े बहुत ना व्यूज़ के नज़ारे भी ले लिए मैंने इर्द गिर्द जो बर्फ़ गिरी हुई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, मेरे पास काम है बिकॉज बाहर ठंड हो रही है, और इस रूम से भी काफ़ी ज़्यादा मस्त व्यू आता है यार भाई, काश मैंने ये रूम चूज़ किया होता, लेकिन मैंने ये सादा का रूम हाईजैक करके रखा हुआ है, तो यहाँ से व्यू आता ना एकदम बढ़िया सा व्यू यार, मैं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा सकता, बाद में दिखाऊंगा कभी। ठीक है, बात करते हैं कि सऊदी अरब जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप मेरी सजेशन लोगे तो आपने क्या करना है कि भाई सबसे पहले अगर सऊदी अरब जाना है आपने, ठीक है, तो आप ना किसी एजेंट के थ्रू जाओ, बहुत सारे एजेंट होते जिनके साथ जाता है इंसान, तो वहाँ पर बड़ा तंग पड़ता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों की परेशानी आती है, काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो जिनके थ्रू मैं गया था, ठीक है, आप इनबॉक्स में पूछ सकते हो, जावेद साहब जम्मू में बठिंडी में उनका डीन स्क्वायर करके शॉप है, तो उनके थ्रू जा सकते हो, बिकॉज उनकी तरफ से जो फैसिलिटीज़ और घुमाना फिराना ये वो सब चीज़ें बेस्ट है भाई, किसी चीज़ में भी दिक्कत नहीं आई। वहाँ पर तो हम लोग इबादत करने के लिए जाते हैं, इबादत भी अच्छे से होती है, और जो होटल सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर हरम पाक के साथ में होटल होगा ना, तो इंसान वहाँ पर 5 वक्त जाके नमाज़ पढ़ सकता है, और हमारा होटल ना बिल्कुल साथ में था, जैसे ही होटल से बाहर निकलो गाड़ी में बैठ के हरम पाक जा सकते हो आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट इज़ इनफ। ओके, आपको सिर्फ एजेंट से कॉन्टैक्ट करना है। मेरे को जुकाम लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे वर्ड्स ना आपको अलग तरह से सुनाई देंगे, तो सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो उसके बाद आपने सीधा एजेंट से कॉन्टैक्ट करना है, उनके थ्रू आप लोग जा सकते हो, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा मस्त रहेगी, सारी चीज़ें पहले से प्लान करी गई होगी, आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ अपनी इबादत पर ध्यान देना है, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है। वहाँ पर आपको कैसा माहौल मिलेगा, ठीक है, महंगी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, हर जगह पर महंगाई है,
अगर आप मेन जो स्पॉट है ना, मतलब जैसे कि अपने होटल के करीब जो मार्केट से, वहाँ से अगर चीज़ भी लेते हो तो आपको तो महंगी मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपको कैसी कैसी चीज़ें मिल सकती हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पे जिन चीज़ों का सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, उनमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी आप होटल से बाहर जाओ, ठीक है, कुछ भी काम करने जाओ, आपके पास पासपोर्ट आपका वीज़ा होना चाहिए साथ में। बिकॉज वहाँ पे ना पुलिस वाले घूमते रहते हैं, जिनको शुरते बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड कभी भी आपको कोई पूछ सकता है, एंड आपके पास अगर पासपोर्ट और वीज़ा नहीं होगा ना, वो आपको सीधा उठाएंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, एंड वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन होगी। तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत और तंगी हो जाती है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको जो है अननोन लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करना। लाइक आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में जब हम लोग गारे हीरा गए थे जबलनूर साइड, ठीक है, वहाँ पे ना हमने खुद से कैब हायर की थी, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न था कि जब ग्रुप के साथ होते थे तो काफ़ी सारे लोग बुजुर्ग भी होते, तो वो लोग ना उधर ऊपर चढ़ नहीं सकते, बिकॉज गारे हीरा बहुत दूर है ऊपर और गारे सोर भी बहुत दूर है। तो इसलिए ना सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और ज्यारत नीचे से कराई जाती है, मतलब दो स्पॉट्स की ज्यारत नीचे से होती है, बाकी तो सबके पास जाते हैं हम लोग। आपको अगर जब हायर करनी है टैक्सी, तो कोई अगर आपको बोलेगा कि यार मैं आपसे ना 2 रियाल लूँगा, आप बैठ जाओ, कभी उसके साथ मत बैठो। ज़्यादातर शाम को अगर आप बाहर कभी जाते हो घूमने के लिए टैक्सी लेते हो, तो किसी अननोन के साथ ऐसे ही फ्री में मत बैठ जाओ, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है कि मोस्टली ये मैंने किससे सुने, अबू भी मेरे को सुनाते थे, अबू के साथ जनरली हो चुकी है ये चीज़। वो इंसान ना लिटरली इनको एक रेगिस्तान में लेके चला गया और वहाँ पे उसने गन निकाली एंड उसने बोला कि आपके पास जो भी है सारा बाहर निकाल दो। लिटरली आपको ये फिल्मी स्टोरी लग रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ था जैसे मेरे को अबू ने सुनाया। उसने बोला कि जो भी चीज़ें आपके पास है, पैसे जो भी है, सब कुछ बाहर निकालो। तो अगर उसके पास गन होगी तो आपके सामने कोई गन वाला आ जाएगा, और वो भी पराए देश में, तो आप क्या करोगे, आप उससे लड़ोगे या सारी चीज़ें दे दोगे? तो अबू ने भी क्या किया, सारी चीज़ें उसको दे दी, ठीक है, जो भी उनके पास था, वॉलेट वगैरह सब कुछ दे दिया। एंड सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जैसे वो उसने सब कुछ लिया, इनको बोला कि बाहर निकलो गाड़ी से आप, जैसे वो बाहर निकले ना, वो बंदे ने वॉलेट बाहर फेंका, उसके बीच में इनका पासपोर्ट और अकामा वगैरह जो था इनके पास बैग था। जैसे उस बंदे ने गाड़ी स्टार्ट की ना, तो अबू का छोटा बैग था वो बाहर फेंका, उसमें पासपोर्ट और इनका अकामा वगैरह था, तो ये लोग बच गए, ठीक है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं किया। लिटरली आप मानोगे नहीं, सऊदी अरब में किसी भी जगह पे आपसे कोई चोरी हो जाती है, आप एक बार पुलिस से कॉन्टैक्ट करो, 5 दिन 10 दिन 20 दिन वो बंदा डेफिनेटली पकड़ लेंगे, बिकॉज हर जगह पे कैमराज लगे हुए। एंड आप अगर आप जाते हो वहाँ पे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। हर जगह पे कैमराज वहाँ पे लगे होते हैं, इंसान कोई भी अगर उल्टी हरकत करेगा ना, तो 1 सेकंड में पुलिस वाले कैसे उठा लेते पता भी नहीं चलता। बाई चांस आपके साथ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हो गया जी चलो, तो आपने घबराना नहीं है, आपने क्या करना है कि पुलिस से कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, पुलिस तो उसको पकड़ लेगी, ठीक है। केवल आपने क्या करना है कि भाई इबादत करनी है अच्छे से, और जो भी चीज़ें मेरे को याद आती रहेंगी तो हर ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहूँगा, तो मोस्टली यही चीज़ें थी, ठीक है। और हाँ, करेंसी का मसला जब होता है, करेंसी एक्सचेंज कैसे करानी है, तो आपने क्या करना है, आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपने करेंसी एक्सचेंज जो है ना, वो इंडिया से करवानी है। 22 रुपीज़ रियाल था, अगर मैं चेंज करवाता करेंसी दिल्ली से, तो मेरे को 22 रुपीज़ के हिसाब से मिलता, ठीक है। वहाँ पर करेंसी चेंज कराई, 25 रुपीज़ के हिसाब से मेरे को वहाँ पर करेंसी पड़ी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। से एक आसान टेक्निक बताऊं, अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह सऊदी अरब में हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनसे वहाँ पे पैसे ले लेने, वो वाले पैसे जो है ना उनके हिसाब से उनके घर में यहाँ पे दे दो। सबसे इजी टेक्निक है ये, और ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखी, वहाँ पे जाके पछताया कि अगर मैंने ये सब किया होता तो मेरे 20,000 जो थे वो फजूल ना जाते, ठीक है, तो वो मेरे फजूल चले गए, ठीक है। तो बड़ी कोशिश करके मैं आया था कि आज व्लॉग ख़त्म कर लूँगा, तो आपने देखा कि बाहर तो बर्फ़ गिरी हुई है, और दो व्लॉग ये 2-3 दिन 5 दिन मिक्स करके मैंने एक व्लॉग बना दिया। होप गाइज आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग किसी भी एंगल से पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। मैं मिलता हूँ आपको मैं मिलता हूँ अगले एक मस्त नए तरीके से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अस्सलाम वालेकुम।